हेलो, गुड इवनिंग गाइड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, और मैं भगवान से आपके मंगल होने की कामना भी जरूर करता हूं। तो दोस्तों, आज दिन है शनिवार और आज साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर है, और हम पहाड़ी लोगों के लिए जो साल के अंतिम दो दिन होते हैं 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके लिए बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साल 2022 के बारे में और आने वाले साल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये तो दुनिया की रीत है, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। वैसा ही हमारा साल 2022 रहा। साल 2022 खुशियों के साथ आया और खुशियों के साथ ही वापस जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले की जो दो सालें रही, 2020 और 2021, वो काफ़ी कष्टदायक रही लोगों की। काफ़ी कष्ट उन सालों में हुआ, क्योंकि आप सबको पता है कि उन 2 सालों में कोरोना जो बीमारी थी, महामारी थी, वो अपने पीक लेवल पे थी, और इसके कारण कई लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा और काफ़ी लोग बीमारी की चपेट में भी रहे, और काफ़ी लोगों को क्या नाम घर से बाहर भी रहना पड़ा, काफ़ी लोगों को खाने वगैरह में भी दिक्कत आई। तो जो ये हमारा वर्ष 2022 रहा, ये काफ़ी अच्छा रहा। इसमें ना कोई महामारी ऐसा कोरोना जैसी कोई महामारी रही, और ना ही कोई अन्य ऐसी समस्या रही जिसके कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि आपका ये साल अच्छा गया और बिना कोरोना की महामारी के ये साल गया। तो उसके बाद दोस्तों, साल में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उसके बारे में भी हम डिटेल से बातें करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ अच्छे पलों की और कुछ बुरे पलों के, जो 2022 में हमारे साथ हुए और हमारे साथ रहे। सबसे पहले जो अच्छी बात मेरे साथ 2022 में हुई, वो ये हुई कि कोई भी परिवार बीमार नहीं हुआ, सभी परिवार स्वस्थ रहे। मेरे सभी जो रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, वो मेरे साथ ही है। मुझे किसी भी प्रकार का जो लॉस है इस साल में नहीं हुआ। मैं इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की दुआओं का ये असर है जो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और दूसरा दोस्तों, इसी साल में जो हर एक आदमी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है, घर बनाना। इसी साल में ही मैंने अपने घर बनाने का काम शुरू किया, और इसके साथ साथ ही मैंने अपनी ये छोटी सी इंडस्ट्री है, इसे एक छोटा सा रूप देने के लिए एक जो हम अपनी भाषा में शटर बोलते हैं, उसके लिए शटर का निर्माण किया। और इसके साथ ही हम जो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए एक शोरूम का भी एक निर्माण किया है, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है, जो कि आने वाले 2023 में कंप्लीट होगा। जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसकी वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद और भी कुछ अच्छी बातें हैं जो हम आगे शेयर डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2022 में कुछ ऐसा भी रहा कि या नाम जो ये जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा रहे और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके कारण थोड़ा सा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। कई लोगों के घर ही पानी के साथ बह गए और कई लोगों की क्या नाम डेथ ही इस कारण हुई। तो मैं उन लोगों के प्रति भी संवेदनाएँ अपनी प्रकट करता हूँ जिनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनके लॉसेस इस 2022 में हुए। तो मैं भगवान से ये कामना करता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला 2023 उन सभी लोगों के लिए क्या नाम खुशियाँ लाए, उन सभी लोगों के घर में बरकत लाएं। तो दोस्तों, आपकी जीवन में 2022 में क्या क्या अच्छी बातें हुई, क्या क्या बुरी बातें हुई, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात बताएं। और जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, अब 2023 शुरू होने वाला है, और आप जैसे कि समाचार पत्र और टेलीविज़न वगैरह में देख ही रहे हैं कि कोरोना फिर से एक बार अपनी जो बाहें हैं फिर से फैला रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपनी तीनों डोजें कंप्लीट कर लें, प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये कोरोना मजाक नहीं है। हमें ये मजाक लग रहा होगा कि यार कोरोना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मजाक नहीं। आज जो हमारे पड़ोसी देश है जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, ये बात उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपने अपना जो वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया है तो उसे
जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि हम एक अच्छे रूप से कोरोना के साथ फाइट कर सकें और जो हमारा 2023 है वो भी अच्छे से निकल जाए। दोस्तों वैसे मेरा मानना तो ये है कि जो ये न्यू ईयर है वो सिर्फ एक कैलेंडर ईयर का चेंज होना है, बाकी जो आदमी जिंदा दिली से हर दिन को जीता है उसके लिए हर दिन एक समान है। तो दोस्तों मैं उन्हीं आदमियों में से एक हूँ जो हर दिन को सेलिब्रेट और इन्जॉय करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि हम पहाड़ी लोगों के लिए साल के दो अंतिम दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि हम पहाड़ी लोग किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने से पीछे नहीं हटते हैं, हमारे लिए चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो हम उसको सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। तो इसी में चलो बात करते हैं अभी 30 दिसंबर की। तो जो कल का दिन था वो 30 दिसंबर का था, तो इसे हम अपनी जो पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार 15 पोष के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा हिंदू महीना रहता है उसके हिसाब से ये पौष महीना चला हुआ है और पौष के 15 तारीख है, तो इसलिए हम इसे 15 पोष के रूप में मनाते हैं। ये मंडी कुल्लू और अन्य जगह में भी मनाया जाता है और डिफरेंट टाइप की डिशेस बना के इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने भी कल कुछ ऐसा ही इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया और हमने तो मतलब खाने वगैरह में सिड्डू वगैरह बनाए थे, बाकी और जगह में कई तरह के अपने ट्रेडिशनल डिशेस बनती है। तो दोस्तों 15 पोष का जो दिन है वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये जो दिन है इस दिन से बर्फ गिरनी स्टार्ट होती थी, तो लोग इसे सेलिब्रेट करते थे क्योंकि लोगों के लिए एक नए वर्ष की शुरुआत 15 पोष से ही होती थी, क्योंकि हमारी जो जीवन की जो बेसिक नीड है वो रोटी कपड़ा मकान है और पहाड़ों में रोटी कपड़ा मकान तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे समय समय पे बारिश और बर्फबारी होगी, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो खेतीबाड़ी पे ही निर्भर है और हम सभी लोग खेतीबाड़ी पे निर्भर है, इसलिए अगर समय पे बर्फ होगी बारिश होगी तो हमारी जो बेसिक नीड है वो तभी पूरी हो सकेगी। तो दोस्तों अब बात 31st की करते हैं। 31st तो आम लोगों की तरह क्या ना हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं जैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों 2022 बीत चुकी है और अब 2023 हमारे घर द्वार पे खड़ी है, तो हमें इसका स्वागत करना है और हमें कुछ प्रण भी लेने हैं जो हमें आगे 2023 में पूरे करने हैं। तो दोस्तों मैं आज आप सब लोगों के सामने एक प्रण ले रहा हूँ कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा और इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी कि आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं उतना आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दिखाता रहूँगा जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज है, मैं उनसे आपको रूबरू जरूर करवाता रहूँगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले मुझे आपके साथ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद जो मेरी 2023 की जो और विशेष है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, तो वो नंबर दो ये है कि मेरे लिए जो अभी शटर बन रहे हैं उनको मैं पूरा तैयार करना चाहता हूँ और उसमें क्या नाम है एक साइड शोरूम और दूसरी साइड ये जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको मैं तैयार करना चाहता हूँ और चलाना चाहता हूँ। मुझे लगभग मई या जून तक ये यूनिट बिल्कुल तैयार करके चलानी है, तो इसके लिए भी दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर अपना साथ दें और अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। दोस्तों बात करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन की। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि अब मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा और इसके लिए मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग ही वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो डालूंगा किसके लिए। तो मेरी जो इस 2023 की एक जो सबसे बड़ी विश है, सबसे बड़ा रिजोल्यूशन जो है वो ये है कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आजकल थोड़ी सी दिक्कत ये है कि टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है बिजी शेड्यूल में से, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों तक वीडियो जरूर पहुँचाऊँगा। और इसके लिए दोस्तों आप लोग अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उस पे मैं अच्छे से अपना जो काम है वो कर सकूँ, इसलिए आप अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। और दूसरी जो रिजोल्यूशन है मेरा वो ये है कि जो मैंने अभी घर का काम स्टार्ट किया हुआ है उसको मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और जो नीचे मेरे शटर बन रहे हैं उसमें मैं साथ में एक साइड अपना शोरूम और दूसरी साइड अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दूँ और साथ ही साथ मेरी दूसरी मंजिल का भी काम शुरू हो जाए। तो ये मेरे कुछ एक रिजोल्यूशन। हाँ जी दोस्तों, तो आपका 2022 कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं कि आपकी 2022 जो साल है वो आपके जीवन में कैसा रहा। तो अगर मैं बात अपनी करूं तो 2022 बहुत अच्छा रहा क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी जो थी वो काफ़ी पीक लेवल पे थी,
जिसके कारण आम लोगों का जो जीना है वो काफी मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आने वाले समय में अब इस कोरोना महामारी का जो नाम है वो नामो निशानी खत्म हो जाए, ये बीमारी हमारे जो देश से वो बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो सके। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने आपको पूरी तरह से वैक्सीनेट कराना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, तब तक ये बीमारी पूरी तरीके से नहीं भागेगी, ये हमारा पीछा हमारी परछाई की तरह करती ही रहेगी। तो दोस्तों, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ये 2023 आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए, आपको तरक्की लाए, आप जो सोच रहे हो वो आपकी मनोकामना पूरी हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जो भी व्यूअर इस समय मेरी वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उन्हें स्वस्थ रखें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से दूर रखें, उन्हें अपने परिवार के साथ रखें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।